फिर दिखी मोदी की ताकत। दुनिया भर के नेता मोदी से मदद लेने पहुंचे भारत। 24 घंटे में इंडिया पहुंचे 5 देशों के बड़े नेता। कूटनीति का केंद्र बना भारत। हुए कई सारे फैसले। हिल गया चीन पाकिस्तान। विदेशी मेहमानों ने मोदी से कर दी स्पेशल डिमांड। चीन की दादागिरी खत्म करने की पीएम मोदी से करने लगे मांग। जी भारत कूटनीति का केंद्र बनता जा रहा है। चीन से निपटने का प्लान हो या फिर रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की कोशिश, सबकी नजर भारत की ओर ही है। यही वजह है कि बीते 24 घंटे में 5 से ज्यादा देशों के बड़े नेता भारत पहुंच चुके हैं। इन्हें लेकर दिल्ली में दिन भर कूटनीतिक हलचल मची रही। कई बड़े फैसले हुए लेकिन सबका एक ही मकसद है कि साउथ एशिया में शांति, चीन की दादागिरी पर लगाम लगाई जाए। इन हाई प्रोफाइल नेताओं का पहुंचना बताता है कि भारत का प्रभाव किस कदर बढ़ रहा है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कौन कौन हिंदुस्तान आया है। किहारा मिनोरू और योको कामिकावा। जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा और रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू 2+2 वार्ता के लिए भारत पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हुई बैठक में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने साफ कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी की दादागिरी नहीं चलने देंगे। जापान ने मुंबई हमले, पठानकोट हमले के दोषियों को सजा देने की भी वकालत की। अलकायदा हो, ISIS हो, लश्कर हो या फिर जैश हो, सब पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। लेकिन सबसे अहम बात, भारत के तरंग शक्ति एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए जापान एक फाइटर जेट भेज रहा है। भविष्य में जापानी जहाजों की मरम्मत भारत में हो, इस पर भी चर्चा हुई है। अनवर इब्राहिम। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत अपनी पहली राजकीय यात्रा पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात में उन्होंने पीएम मोदी को मेरे प्यारे दोस्त और भाई कहकर संबोधित किया। दोनों पक्षों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिसमें रोजगार और श्रमिकों की वापसी और दूसरा डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। डिजिटल पेपर भारत मलेशिया को सहयोग करेगा। आरजू राणा देउबा। वहीं नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा भी नई दिल्ली में हैं। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ व्यापार, ऊर्जा समेत कई मसलों पर चर्चा की है। भारत ने नेपाल को 251 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निर्यात करने की अनुमति दे दी है। साथ ही नेपाल 28 प्रोजेक्ट से 941 मेगावाट जल विद्युत का निर्यात करेगा। सूत्रों के मुताबिक भारत ने चीन को लेकर भी नेपाल को सतर्क किया है। एडमिरल अलेक्सेविच मोइसे। प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे से चंद दिनों पहले रूस के नौसेना प्रमुख एडमिरल अलेक्सेविच मोइसेव सोमवार को भारत पहुंचे। उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के साथ चर्चा की। रूस भारत के साथ समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। नौसैनिक सहयोग के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। पहले भी इसी तरह की कोशिशें हुई थी लेकिन इस बार रूस की ओर से दबाव काफी ज्यादा है। मैरी सिरिल एडी बोइसेजन। मॉरिशस के उपराष्ट्रपति मैरी सिरिल एडी बोइसेजन 20 से 22 अगस्त तक चलने वाले 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कहा कि बोइसेजन की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों में एक मील का पत्थर है। सम्मेलन का मकसद अफ्रीका का डेवलपमेंट और भारत अफ्रीका के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाना है। तो ये वो 5 देश के बड़े बड़े नेता थे जो हिंदुस्तान आए हैं और कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ हिंदुस्तान पर हैं। ये मोदी का भारत है जिस पर दुनिया, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन उनसे भी ज्यादा भरोसा करता है।